सो गाइस, जैसा कि Realme ने अपने 7 Pro स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जहां पे आपको काफी कमाल के स्पेक्स देखने को मिलता है, तो ऐसे में Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन भी आपको काफी जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। और यहां पे Redmi अपने इस डिवाइस के अंदर काफी अच्छे से वर्क कर रही है और यहां पे हमें 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये डिवाइस आपको MediaTek Dimensity सीरीज के साथ आने वाला है, तो यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी टॉप नॉच का दिया जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Note 10 Pro के कंप्लीट एस्पेक्ट्स के बारे में, साथ ही डिवाइस हमें इंडिया में कब तक और कितने प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो क्लास तक बने रहिए। साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा आपको काफ़ी टॉप नॉच की दी जाएगी। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड ईयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बार आपको न्यू स्क्वायर शेप के साथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस का सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही आपको कैमरा के अंदर नेक्स्ट लेवल का जूमिंग ऑप्शन दिया जाएगा और यहाँ पे आपको OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ टॉप नॉच का कैमरा दिया जाएगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको प्रीमियम ग्लास बैक के साथ आएगा, जहाँ पे आपको ग्लोसी लुक देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के बारे में बात करी जाए तो आपको 6.5 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जहां पे आपको सिंगल पंच होल आपको टॉप राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाता है। और ये डिस्प्ले आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। और यहां पे देखने वाली बात होगी कि आपको नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलता है या फिर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर हमें यहाँ पे 90Hz के रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा तो Realme 7 Pro स्मार्टफोन को डेफिनेटली ये बीट कर देगा। तो नेक्स्ट बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच का देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 820 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। साथ ही अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आपको MediaTek Dimensity 820 का ही चिपसेट देखने को मिलेगा, और वहीं काफ़ी सारे लीक्स की माने तो आपको Snapdragon 765G का ही SoC देखने को मिलेगा। तो वैसे Redmi की तरफ से अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे दोनों ही चिपसेट के अंदर अप्रॉक्स सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो अब बात कर लें इसके पावर के बारे में, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 5000mAh का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दिया जाएगा। और जैसा कि आपको Realme 7 Pro स्मार्टफोन के अंदर 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है, तो इसके अंदर भी मोस्ट चांस है कि हमें 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए। स्टोरेज की बात करें तो ये डिवाइस आपको डुअल ऑप्शन के साथ इंडिया में देखने को मिल सकता है, जिसका बेस मॉडल आपको 6GB+128GB और 8GB+128GB होगा। तो अब बात कर लें इसके यूजर इंटरफेस के बारे में, तो ये डिवाइस आपको एंड्रॉइड 10 के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट MIUI पर कस्टमाइज किया जाएगा। तो प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको 20,000 के अप्रॉक्स इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और ये डिवाइस हमें अक्टूबर तक इंडिया में जरूर से देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, तो फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ।